फुड़का इस रास्ते में छोटा सा पप्पी मिला और हमारी गाड़ी के नीचे बैठ गया। हाँ भाई नन्हे मुन्ने बारह जल्दी निकल गए, शायद किसी ब्रीड का ही है। और गाइस ब्लैकिंग को देखो भाई कैसा पागल हो गया, नो कह रहा है बस एक बार छोड़ छोड़ दे। और गाइस नीचे कमेंट करके बताना बुरे को कब लेकर जाऊं। सो हे गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल टिकटॉक चैनल। और गाइस सामने आ घूम रही अपनी पूरी की पूरी गैंग, योरा रोक और बाकी सारे एक सारे यहां पर घूम रहे, योरा अपना पौवा गैंगस्टर सामने। और गाइस थोड़ी देर पहले सभी को खाना वाना मैंने खिलाई दिया था, इस वाले को देखो भाई जगह नहीं मिल रही, सारे मको घूम रहा है जगह नहीं मिली, मिलेगी मिलेगी लग गए होगी। और गाइस ये घूम रही कोको और जोरा, ये दोनों आजकल कैनल में रहने लगी, कैनल में ज्यादा जी लग लगा इनका मिट्टी में। और गाइस अब आका तो बिल्कुल दोनों के दोनों एक साथ ही रहने लगी, दोनों की बढ़िया जोड़ी लगे, दोनों की दोनों सेम सेम वैसे होगी। जोरा एकदम से बड़ी होगी, थोड़े दिन पहले छोटक सी थी, एकदम से बड़ी होगी। और गाइस थोड़ी बहुत देर माज बुरे के पास चलेंगे, बुरा दोबारा से अग्रेसिव हो गया, इंसानों के प्रति नहीं डॉग्स के प्रति अग्रेसिव हो गया, चल कर देख करता हूँ क्या सीन है। और गाइस अपने साथ रोक को नहीं लेकर जाने का, रोक के साथ फिर भाई अग्रेसन हो गए, पहली बार मैंने मिलवा लिया ही था, अगर हो सका तो अपने साथ ब्लैक किंग को लेकर चलेंगे। वहाँ पे एक ब्लैक किंग के साथ का पप्पी भी है, ब्लैक किंग को उसका मिलवा के देखेंगे, देखते हैं क्या रिएक्शन आवे। तो गाइस अभी फाइनली अपना ब्लैक किंग भी बैठ गया और अपना दूसरा ब्लैक भी बैठ गया। ओए ब्लैक क्या यहाँ को आ, अब ओए बेटे रस्ते में हालत खराब होगी, ब्लैक किंग का भी उल्टी लग रही और पौवे का भी उल्टी लग रही, दोनों के दोनों लगे पड़े उल्टी करण कुछ। भाई आज गर्मी भी तो ज्यादा हो रही, वैसे तो भाई मैंने एसी चला रखी बट भाई फिर भी गर्मी ज्यादा हो रही, ब्लैक किंग ने बिल्कुल यही मुंह लगा लिया। तो कहीं से भी रस्ते में स्विम भी मिल गया, कोचिंग करके लग रहा था रस्ते में बटा लिया, आजकल ये ज्यादा पढ़ने लगा, अरिश्ता दो चार सवाल पूछ लिया, आता है नीचे बंगड़ भी। हाँ तन्ने बहुत पूछे, तन्ने तन्ने बताया दिया। हमारे देश का प्रधानमंत्री कौन है अबे साले। और गाइस रास्ते में एक छोटा सा पप्पी मिला और हमारी गाड़ी के नीचे बैठ गया। हाँ भाई नन्हे मुन्ने बाहर आ जल्दी निकल गए, शायद किसी ब्रीड का ही है। गाड़ी के बाहर आ जल्दी, गाड़ी के नीचे आ कर गया, शायद ही ऐसा लग रहा जैसे पिटबुल का मिक्स हो, ये देख लो भाई रेड कलर का है, शायद किसी ने ऐसा छोड़ दिया। ब्लैकिंग को देखो भाई कैसा देख रहा, रहने दे थोड़ा सा पीछे कर ले, क्या पता अटैक करता है, वैसे तो भाई ब्लैकिंग अटैक नहीं करता बिना बात में। और गाइस अगर ये खेत का पप्पी होता हमारे पास नहीं आता, ये तो सीधा मेरी गाड़ी के नीचे आकर बैठ गया, इसे पक्का किसी ने छोड़ा ही है। और गाइस हमारे से बाद में एक ट्रैक्टर आ रहा था, ट्रैक्टर वाले लेकर जा लिया उसे। तो गाइस आके फाइनली ब्लैकिंग को लेकर सबसे पहले तो उसे पानी पिलाया। और गाइस ये रॉ पिटबुल का पप्पी छोटा सा है बट भाई पूरा एग्रेसिव है, ब्लैकिंग के पास जाते देखना भाई कैसे एग्रेशन करेगा। और गाइस ब्लैकिंग को देखो भाई कैसा पागल होगा, नो कह रहा है बस एक बार छोड़ छोड़ दे, वैसे भाई ज्यादा एग्रेशन नहीं करवाने का इसका, थोड़ा बहुत ही करवाऊंगे बस, उत्तरी उत्तरी यो नहीं भाई, थोड़ा भी चूचा कुछ भी कर रहा जैसा रेड किंग करा करा था बड़े वाला, बस झटपट आ रहा, नू कह रहा बस एक बार छोड़ छोड़ दे, ये देखो भाई नू कह रहा बस छोड़ छोड़ दे। ओए 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 भाई ज्यादा पास नहीं, ज्यादा पास नहीं, लोक लगा लगा बस ब्लैक किंग बस शांत हो जा, बस बस शांत हो जा। तो गाइस अभी उस पप्पी को भेज दिया, कुछ भाई ज्यादा एग्रेसिव हो गया था एकदम से। तो गाइस आगे फाइनली बूढ़े के पास, और गाइस ये देखो कितना बड़ा हो गया अब तो, इसका तो भाई फेस सूज रहा, रात इसकी फाइट हो गई थी, इसने एक डॉग पकड़ लिया था रात को, इसीलिए फेस पर थोड़ी सी स्वेलिंग आ रही इसके। और गाइस अब इसका नेचर थोड़ा थोड़ा सा खतरनाक होता जा रहा, डॉग्स के प्रति एग्रेशन आने लगा इसके अंदर दोबारा से, पहला तो शांत हो गया था बट भाई फिर से आने लगा। और गाइस ये बुरे की दोस्त जर्मन शेफर्ड की फीमेल, बिल्कुल रॉक्सी के जैसी लगा मुझे, बुरे ने अंदर से ब्लैकिंग को देख लिया, वो खड़ा सारा ध्यान इसका ब्लैकिंग के ऊपर ही है, देख रहा है कौन आ गया। तो गाइस अभी ब्लैकिंग को अंदर ही लेकर आगे, एक रेड किंग का खून हो गया और एक रॉक का खून हो गया, बस फर्क ये है रॉक का खून थोड़ा ज्यादा बड़ा है। और गाइस क्वालिटी देखो क्या जबरदस्त बनती जा रही इसकी, एक नंबर का लग रहा लुक, ये देखना भाई कितना खतरनाक लुक लग रहा, कुछ भाई मुझे इसका कलर बढ़िया लगे, कलर भी और लुक भी दोनों एक नंबर के लगे। और गाइस थोड़े बहुत दिन में बुरे को लेकर चलूंगा मैं, अभी थोड़ा थोड़ा सा गड़बड़ करने लगा, इसे लेकर चलेंगे। और गाइस हाइट देखो कितनी हो रही, शिवम एक बार टाइयो ऊपर को पैर कर, ओए ब्लैकिंग तू पीछे हट जा, इसका सारा ध्यान ब्लैकिंग के ऊपर है, करिए खड़ा, ये देखो भाई हाइट इसकी शिवम के बिल्कुल आधे में जा रहा। और गाइस नीचे कमेंट करके बताना बुरे को कब लेकर जाऊं, बुरे को इसकी दोस्त के पास बांध दिया, दोनों की एक नंबर की दोस्ती है इनकी, ये देखना भाई दोनों कितने टोप लग रहे, एक पिटबुल एक जर्मन शेफर्ड, बिल्कुल सेम ऐसे इसकी सिम्बा के साथ बना थी, इस बार देखते हैं सिम्बा को पहचान है या फिर सिम्बा को भूल गया। ब्लैकिंग बेचारा अंदर बैठ कर देख रहा, कभी छोटे से नहीं देखा होगा बुरे को, उसके बाद अभी देख रहा। और गाइस अब सीधा घर पर चलता हूँ, बहुत देर होगी घूमते घूमते, ब्लैकिंग भी बैठ गया, बुरे को देखो कैसे देख रहा बैठ कर, चल ठीक है बुरे बाय बाय जल्द मिलते हैं बाय बाय। तो गाइस आ गया फाइनली ब्लैक किंग को लेकर घर पे, और गाइस ब्लैक किंग को घर लाते ही ये देखो भाई सारे सारे कैसे सूंघ रहे, पूछ रहे कहाँ जा लिया था, रोक तो कुछ ज्यादा ही सूंघ रहा, रोक बार बार नहीं पूछ रहा कहाँ जा लिया था, बट भाई गाड़ी में बैठ के इसकी हालत खराब होगी, बार बार उल्टी कर रहा था, फिर लास्ट में इसका मुंह बिल्कुल बाहर निकाला गाड़ी से जब जाके आराम मिला, वरना भाई गाड़ी में परेशान हो गया था बैठा बैठा। और गाइस मेरे डॉग सारे पूरा लगा हुआ है ब्लैक किंग का, ये देखना भाई कैसे आगे पीछे घूम रहे इसके, कोई सा भी डॉग मेरे पास तो है नहीं, सारे सारे ब्लैक किंग से पूछ रहे कहाँ जा लिया था, गजब बेइज्जती है। और गाइस जोली की फीमेल पप्पी बहुत दूर तक जा ली थी, अभी लेकर आया मोड़ पर से, दूसरे इलाके के डॉग्स खा जाएंगे, इसके अंदर बैठ जा, इसीलिए मैंने केज के अंदर बंद करूं, चलो भाई चलो केज के अंदर चलो, अरे बाहर आ गया, अंदर चल अंदर, अरे तू बाहर आ गया,
लुल्लू मान रहे की ओए कहाँ जा लिया, ब्लैकिंग के पीछे जाकर छुप गया। बहुत तेज हो रहे हैं। तो गाइस अभी फाइनली तीनों बंद कर दिए, बहुत मुश्किल से काबू आए। आजकल ये छोटा सिम्बा ज्यादा शैतान हो रहा, छोटा सिम्बा भी और यो भी और चिंटू तो ही है, तीनों के तीनों ही शैतान हो रहे। A few inches later, तो गाइस शाम होगी, शाम में थोड़ी बहुत देर मंदिर हो जाएगा। वहां से आने के बाद मैं सो गया था, खेत में जाने का टाइम नहीं रहा वरना अपने डॉग्स को लेकर खेत में चलता। और गाइस पप्पी इसको देखो कैसे घूर घूर के देख रहे मुझे, इनकी मम्मी लेट रही ना बाहर, नु कह रहे गेट खोल दे, आ जाओ भाई आ जाओ। इन्हें दोपहर सोने से पहले बंद कर दिया था मैंने, तब से ऐसे ही बंद है ये। इनकी मम्मी इनके पास आके लेट गई थी, नु कह रही थी जल्दी बाहर आओ और दूध पियो मेरा। और गाइस मेरा कभी कभी ना पालने का मन करे, घर में तो मैं पाल सकता नहीं, अपनी गली में पाल लूंगा, क्योंकि अभी मेरे साथ खेत में जाया करेंगे देसी गैंग बन के। और नीचे कमेंट करके बताना क्या करना चाहिए, पाल लूं या फिर इन्हें भी अडॉप्ट करवा दूं। और गाइस सोच रहा हूं पर सर रोक्सी वाला पप्पी लेकर आता हूं, उसे छोड़ दूंगा इनके पास, फिर देखते हैं क्या रिएक्शन आवे, लड़े या फिर दोस्ती करे वो। वैसे तो भाई ये तीन है और वो अकेला, तीनों के तीनों मिलकर दाब सके, और आने के बाद देखते हैं क्या रिएक्शन आवे। तो गाइस आ गया रोक्सी वाले पप्पी को लेकर, और गाइस अभी बिल्कुल ठीक है। लो भाई नन्ने मुन्नो मिलो इससे, अरे रोक्सी वाले तू भी लग जा, तू भी पीला जूली गई, पीला 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 लग जा तू भी। तो गाइस अभी रोक्सी वाले ने जूली का एक पप्पी दाब लिया, और गाइस जूली वाले पप्पी गैंग बना के नहीं आ रहे, वरना भाई इसके तो रेल बना देंगे। चिंकी आ गई इसकी हेल्प करने के लिए, चिंकी नु कह रही मैं हूँ अपनी बहन की टीम में, और गाइस या छोटी सी चिंकी की बहन है बिल्कुल सगे वाली। तो गाइस अभी जूली गैंग मेरे पास आ गई, नु कह रही उसे भगा दो। लो भाई अब रोक्सी वाले ने छोटे चिंटू को दाब लिया, और गाइस ये देखो जूली वाले पप्पी कितने छोटे है इससे, बस एक दिन का फर्क है, फिर भी ये देख लो साइज में कितने छोटे है। ओए छोटे चिंटू आई एक बार गोदी माँ, ये देखो भाई इसे देख लो और इसे देख लो, बिल्कुल याद दे इससे तो ये। लो भाई अब रोक्सी वाले ने उसे दाब लिया फीमेल पप्पी को, छोटे चिंटू जाके हेल्प कर उसकी, देख तेरी बब्बो को पीट दिया, आ जा भाई आ जा, तू भी आ जा, तू कहाँ बैठा छुप के, तू भी हेल्प कर, चलो तीनों के तीनों पिटो से, चलो 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 चलो। अरे भाग गए, ये तो गद्दार है भाग गए, चीटिंग ये वाला पप्पी गद्दार है, पहले ही भाग गया अपनी बहन को छोड़ के। और गाइस कोई सीरियस में लड़ाई नहीं हो रही इनकी, वैसे ही मजाक मस्ती कर रहे सारे के सारे पप्पी, ऐसे ही खेला कर रहे रात के टाइम। और एक ही ना देखो ब्लैकिंग को और रोकू, दोनों के दोनों लेट गए मजे से। वैसे तो भाई रोज ब्लैकिंग सिम्बा के पास लेटक रहे, आज ही लेट रहा रोक के पास। और एक से देखो रोक्सी वाले को पीट छेद के वो भाग गया ऊपर गया। तो गाइस अभी अचानक से घूमने जाने का प्लान बनेगा, रात के 12 बज रहे, मेरी एडिटिंग वगैरह सब कंप्लीट होगी, कहीं पर घूमने चल रहे, दो तीन दोस्त हो रहे साथ में। अब भाई पहले तो अपनी गाड़ी पर मारता हूँ कपड़ा, सारी गाड़ी हो रही गंदी, फिर चुपके से बाहर निकालनी पड़ेगी। भगत सोन लग रहा, अगर भगत को पता चलेगा वो भी कहेगा मुझे साथ लेकर चल। हाँ भाई नन्ने मुन्ने चलेगा तू भी साथ में, इसे देखो भाई कैसे देख रहा मुझे घूर घूर के, चलेगा साथ में है भाई? नहीं एक वाल लग रहा सामने नींद में, अरे नींद में है के? बिल्कुल नींद में, तो नींद में है के? नींद आ रही आग बिच रही थी किसी की, अमरिक सुखदेव शुरुआत कर दी ढोकले से। लो भाई मेरा ढोकला भी आप ही खा लो, तू खा ला कर गाय नहीं जा रहा। लो भाई इस वाले को भी आप ही खा लो, लो खा लो खा लो, ढोकले खाओगे ढोकले। तो गाइस अभी सीन बन गया, गाड़ी में हो गया पंचर, ओ भाई साहब फोन में बैटरी भी नहीं है कुछ, भाई बहुत दूर से गाड़ी को ऐसे ही लेकर आ रहे, पंचर वाले की दुकान ढूंढते ढूंढते दिक्कत ना आ गई हो कुछ, टेंशन पर टेंशन होगी, अच्छे घूमने के लिए निकले सीन बन गया। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तो गाइस अभी फोन चार्ज करने का तो मिल गया जुगाड़, यहीं पे बोर्ड लग रहा था, फोन की तो बनेगी बात, अरे सामने गाड़ी की भी बनेगी बात, वो लग गया टायर।